टॉपिक में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। घोल दो या दो से अधिक पद प्रकार के पदार्थ का सामग्री मिश्रण है। द सब्सटेंसेज मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। वह सब्सटेंस जिससे सॉल्यूशन बनता है उसको सॉल्यूशन का अवयव कहते हैं। ए सॉल्यूशन इज जनरली मेड अप टू कंपोनेंट्स। यह दो प्रकार के कंपोनेंट्स का बना होता है। फर्स्ट को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन में वह कंपोनेंट जिसकी मात्रा कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब सुगर को पानी में घुलाया जाता है तो वैसे सॉल्यूशन को सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथाइल अल्कोहल नॉन एच टिंचर आयोडीन। आयोडीन को इथाइल अल्कोहल में घुला जाता है तो उसको टिंचर आयोडीन कहा जाता है। फिर है तुम्हारा एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर। नंबर तीसरा एसिटिक एसिड को जब पानी में घुलाया जाता है तो उसको विनेगर कहा जाता है। इज ए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। एग्जांपल और भी आगे बताएंगे दो या तीन एग्जांपल, तो इसका दो एग्जांपल और है ना पीडीएफ में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गुड नाइट।